हमारे सामने एक ऐसी प्रेरणादायक गाथा है जिसमें पिता का बलिदान है, पुत्र का स्वाभिमान है, एक मां का त्याग एवं राष्ट्र प्रेम है। भारतीय संस्कृति में मां की महिमा को शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, हम एक शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, मां की बस यही परिभाषा है। इन जैसी माओं को, उन सब परिवारों को हम सबका शत शत नमन, कोटि कोटि नमन। मेरे पिता का बलिदान रहा है 1999 13 जून बैटल ऑफ तोरलिंग, जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें मेरे पिता शहीद हुए लांसनायक के पद पे थे उस समय। वो मेरी प्रेरणा बनी का बलिदान है। उसके बाद माँ का संघर्ष जो रहा है, हमें मिलकर स्कूल में भेजा, इस तरीके से हमें माहौल वातावरण मिला है। उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की, मैंने CDS का एग्ज़ाम क्लियर किया और मैंने इंडियन मिलिट्री एकेडमी ज्वाइन की। ये सफर रहा है मेरे जीवन का और ये मेरी प्रेरणा भी रही है। स्वर्गीय लांस नायक बच्चन सिंह, 2nd बटालियन राजपुताना राइफल्स, जिन्होंने कारगिल युद्ध में तोरोलिंग की चोटियों पर विजय हासिल करते समय अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनकी धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश बाला और बेटा लेफ्टिनेंट हितेश, जिन्होंने अपने पिता की बटालियन में ही कमीशन प्राप्त करते हुए अपने माता पिता के सपनों को साकार किया। आंखों में आंसुओं का समंदर और दिल में यादों का तूफान समेटे एक परिवार अपने लाडले को गर्व से विदा करता है, क्योंकि वो जानता है कि मां भारती का सच्चा सपूत अपने परिवार के साथ किए वादे को तो तोड़ सकता है, लेकिन अपनी मां भारती के साथ, अपनी मातृभूमि के साथ किए वादे को कभी नहीं तोड़ सकता।